शिंदे साहब ने उसको मार के फेंक भी दिया होगा। एक कर भी अगर शिवसेना को छोड़ सकता तो उसको मार भी सकता है, पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। 45,000 करोड़ का घोटाला है, 45,000 करोड़ का, शिवसैनिक है, झुकने वाले में से नहीं, हथियार रखा है छोड़ा नहीं, टाइम आएगा तो उठा भी देंगे, ये बात को ध्यान से रखना। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार भूकंप आया हुआ है सियासत में। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद अब उनके पास 50 आमदारों की संख्या हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रेडिसन होटल में, गुवाहाटी के उस होटल में एकनाथ शिंदे के साथ निर्दलीय और कई अपक्ष आमदारों के समर्थन के साथ में 50 आमदारों की सूची पूरी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे बवाल पर इधर शिव सैनिक रस्ते पर उतर चुके हैं और भारी बवाल करना शुरू कर दिया है। उन आमदारों के कार्यालयों पर तोड़फोड़, रस्ते पर उतरकर उनको अपशब्द कहना, उनके पुतले जलाना, काली पोतना, जो सीमाएं पार कर सकती है शिव सैनिक, जिसके लिए वो जानी जाती है, जिस गुस्से के लिए, जिस आक्रोश के लिए जानी जाती है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या क्या कुछ होता है। लेकिन इससे पहले विरार में जब हमने सबसे पहले उसी दिन बातचीत की थी जनार्दन पाटिल, जो अग्रसेना के जिला प्रमुख हैं, उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो तो आपने सुना ही था। उसके बाद से ही लगातार जिस प्रकार का माहौल बनता गया वैसे विरार में ही और शिव सैनिक मैदान पर उतरा। आज लगातार जिस प्रकार से आंदोलन के सिलसिले रहे रविवार के दिन, उस पर हम बातचीत करते हैं जनार्दन पाटिल से, जानते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जनार्दन पाटिल शिवसेना में ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या आगरी सेना छोड़कर शिवसेना का दामन थामकर अब शिव सैनिक बनने के लिए आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, आखिर क्यों लग रहा है कि अब उनकी आवश्यकता वहाँ पर है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जनाब मामा, जैसे ही आपने उस दिन अपशब्दों के साथ में जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद लगातार अब मैदान पर उतरने वाला हर शिव सैनिक, वसई विहार खासकर, वो मंच पर चढ़ता है तो लगातार वो अपशब्द के बौछार आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अपशब्द की सीमाएं नहीं रह गई हैं, लोग उनको तोड़ने फोड़ने और तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जायज़ है? जायज़ है, लगता नहीं गुंडागर्दी है शिव सैनिकों की? ये गुंडागर्दी इस तरीके से अपशब्द बोलना, संविधान में ये सब चीज़ें नहीं है, कानून में इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करना, इस तरह करना। देखिए, जब शिवसेना चालू हुई शुरुआत में तब बाला साहब का नारा था, बजाओ पुंगी भगाओ लूंगी, तब लोग बोल रहे थे सबसे बड़ा गुंडा शिवसेना का झंडा, तो आज गुंडागर्दी पे उतरनी जरूरी है शिवसेना इस तरह से? हाँ, तो ऐसे लोग अगर ऐसा ना काम करेंगे तो जरूरी है, अभी उतरना जरूरी है। अब गाली गलौज होने लगा है, अपशब्द होने लगा है, इस तरह से होने लगा है कि सीमाएं सब पार हो रही। हाँ, तो शिंदे ने काम ही ऐसा गलत किया तो गाली देंगे लोग मारने पीटने की बात करते, मारेंगे, वो आएगा तो जरूर मार खाएगा। शिवसेना के लोग तो बोल रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे। अब मार तो शिंदे खाने वाला ही है, आज नहीं कल नहीं 6 महीना बाद में वो खाने वाला है मार। आप इस तरह धमकी देते हैं, आप फिर गुंडागर्दी वाली बातें? मैंने तो खुला चैलेंज दिया है, जो भी पालघर में एकनाथ शिंदे के समर्थन में जाएगा वो मार खाएगा। और मैं उस दिन से, जिस दिन से आपको बाइट दिया, दूसरे दिन से हर एक शिवसेना के कार्यकर्ता जो पद पे है, आप शाखाओं में जाकर आप मेरा, हाँ मैं शिवसेना पद पे जितने भी लोग हैं सबको फोन किया है, उनको पूछा है कि आप कहाँ हो, तो मुझे उन्होंने बोला हम बाला साहब के शिवसैनिक हैं और हम उद्धव साहब के साथ में हैं। क्या करना चाहते हैं आप आगरी सेना को अलग करके शिवसेना के साथ? नहीं नहीं, आगरी सेना का तो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैंने तो अभी बात किया है कि मेरे लड़के को मैं आगे कर रहा हूँ शिवसेना में, मैं आदित्य ठाकरे के साथ में, आदित्य साहब के साथ में मेरे लड़के को दूंगा, और पालघर जिले में अभी जरूरत है तो मेरे लड़के को मैं आगे कर रहा हूँ। कुछ भी करेंगे पर शिवसैनिक का, देखो एक ही लड़का है, लोग डरते हैं, लेकिन मैं मेरे लड़के को आगे कर रहा हूँ और युवा सेना में मेरे लड़के को अच्छा पद मिलेगा। अभी शिंदे साहब के साथ 50 आमदार हैं, ताकत बड़ी हो गई है, हो सकता है सरकार आ जाए तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप इस तरह मारने पीटने की बात कर रहे हैं, आपको डराएंगे। और मैंने आपको क्या उस दिन बोला है, हथियार रखा है छोड़ा नहीं, टाइम आएगा तो उठा भी देंगे, ये बात को ध्यान से रखना। आप हम शिवसैनिक है, झुकने वाले में से नहीं, बात धमकी दे रहे, हाँ धमकी समझो आप, लगातार धमकियां है क्या? एकनाथ शिंदे चीज क्या थी हमारे सामने? तो दिगे साहब के साथ में बैठे थे तो थे क्या वो? वो आशीर्वाद है दिगे साहब का कि इतना बड़ा पद मिला, और उद्धव साहब ने, शिवसेना ने उसको क्या नहीं दिया मेरे को आप बोलो, क्या नहीं दिया? आपको मालूम है 45,000 करोड़ का घोटाला है, 45,000 करोड़ का, और शिंदे के ये ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, उसका वो पैसा कवर करने वाला 10 दिन से गायब है, हो सकता है शिंदे साहब ने उसको मार के फेंक भी दिया होगा।
एक कर भी अगर ये शिवसेना को छोड़ सकता तो उसको मार भी सकता है, पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? नहीं आप लेकिन इस तरह बड़े आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो लगा रहा हूँ ना, खुला लगा रहा हूँ, सीधी बात है, गायब है 10 दिन से, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? ईडी का नोटिस गया आदमी गायब, तो फिर क्या समझने का? तो वो भाग रहा है, शायद उसके लिए भाग रहा होगा, मैं तो आरोप कर रहा हूँ ना। संजय राउत बोलते हैं झंडा जो भगवा होता है उसका झंडा जेब में रख के डंडा इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो साहब ने पहले वही तो नारा दिया था ना, जब बैठे थे, बजाओ पुंगी भगाओ लूंगी, तो डंडा ही था हाथ में। आज भी अभी आज वो जरूरत आई वापिस, ये जो गए ना उनको डंडा से जीतेंगे आप लोग डंडा? अरे यार चुनाव में तो इसको लोग गिराएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट में गिराएंगे। डंडा झंडा और चाटा गाली गलौज से चुनाव थोड़ी जीता है। सब निकलेगा, डंडा के आगे भी निकलेगा अगर नाटक करेंगे तो, ये भी बात ध्यान से रखना। आप बार बार इस तरह अटैक करते हैं एकनाथ शिंदे पर, आपको लगता नहीं है वो बड़े नेता उसका हैं? रिस्पेक्ट कर रहे थे ना, बड़ा नेता मतलब बनाया कौन उसको? शिवसेना ने बनाया ना। बड़ा नेता मतलब था क्या? वो मच्छी बेचता था, रिक्शा चलाता था, वो तो उसकी स्टोरी आपको आपने देखा है। और ये उसने जो पिक्चर निकाला तब भी मैंने उसको विरोध किया था कि क्या आप 5 लोगों ने क्या शिवसेना बढ़ाया है दिगे साथ में? क्या आप 5 ही लोग थे दिगे साहब के साथ में? तब तो मैंने शायद उस टाइम पे वो मंत्री पद पे था, लोग डरते थे उसको बोलने के लिए, मैंने तो खुला उस टाइम पे पिक्चर देखा था, अभी भी आपके माध्यम से शायद बोला था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई वो मैं रखूंगा लोगों के सामने। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके शिवसैनिक सब मैदान पे उतरे हैं ये बहुत आक्रामक हो सकते हैं और आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र का? अरे शिवसैनिक आक्रामक ही है ना, तब तो बंबई बची है ना, तो कभी कभी की खत्म होती थी बंबई, किसके वजह से बची आज तक मुझे बोलो? आपको लगता है शिवसैनिकों ने बचाया? अब मैं, हाँ शिवसैनिकों ने बचाए, और मैं आपको इतना भी बताऊँ, आप भी बंबई महानगर पालिके में मुस्लिम लोग भी उद्धव साहब के साथ में रहेंगे, तो आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका फिर से आपकी, हाँ आपके, हम ही लोगों के, आप बड़े रोल में दिख रहे हैं। आखिर इतना गुस्सा, इतना क्रोध, और रोज गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं आप शिवसैनिक की शाखा में जाना, लोगों से मुलाकात करना, इतने उतावलेपन क्यों? देखिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरा काम है, काम करने का तरीका अलग है। जब मैं अग्रसेना का जिला अध्यक्ष हो गया तब हर एक दिन मैं गांव में जाता था, हर एक दिन, और तब वो माध्यम से मैंने पूरा अग्रसेना जमाया। आज भी मेरे इशारे पे सब लोग है, अग्रसेना का मेरा पूरा मैंने पालघर में बना के रखा है। आज शिवसेना की जरूरत है, आज उद्धव साहब को जरूरत है हमारी। अग्रसेना का जिला अध्यक्ष हूँ, अग्रसेना का जिला अध्यक्ष हूँ, अग्रसेना का काम कर रहा हूँ, अग्रसेना के पद पे हूँ, लेकिन आज महाराष्ट्र को जरूरत है, शिवसैनिक को जरूरत है हम लोगों के सरीके, हम पुराने शिवसैनिक है, तो हम तो उद्धव साहब के साथ में रहेंगे, हमको पद मिला नहीं मिला, हम पद के लिए तो लालची है ही नहीं। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मतलब किस बात पे आप आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? आप शिवसेना में जाएंगे अगर? नहीं, शिवसेना में जाने का सवाल क्या था, मैं शिवसैनिक हूँ, और आज भी यहाँ के जिला अध्यक्ष हो, यहाँ के बड़े पद पे तालुका अध्यक्ष हो, उप जिला अध्यक्ष हो, मेरे बात का रिस्पेक्ट रखते हैं ना। जब मैं बैठता हूँ तो मुझे बाजू में कुर्सी देते आज भी बैठने के लिए, और उनके माध्यम से हमने अग्रसेना में, शिवसेना और अग्रसेना ने दोनों ने मिलकर कितना आंदोलन किया है, तो हमारे साथ में पहले से ही है, ऐसी बात नहीं है। तो आप आगे आगे कैसे कदम बढ़ा? आज उनको जरूरत है और मैं उनके साथ में हूँ, मैं अग्रसेना का लालच क्या है? मुझे कुछ लालच नहीं है शिवसेना, नहीं कुछ नहीं, शिवसेना चाहिए। हाँ शिवसेना तो मराठी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना की जरूरत है, रहना चाहिए। अगर उस पर आ जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा आप लोग बारह मार धाड़ और इस तरह की बातें करते हैं, क्या आपको लगता नहीं ये गलत है? और अरे अठारह साल पहले हथियार उठा था, मैं आपको बोला क्या, छोड़ा नहीं, रखा है, टाइम आएगा तो अभी भी। अभी किसके लिए बोलते हैं बार बार? हम शिवसैनिक है यार, उद्धव साहब अभी खतरे में रहेंगे तो हम उतर जाएंगे, उसमें क्या है? आप ये शिंदे साहब को बोल रहे हैं? अरे शिंदे को भी बोलेंगे, शिंदे को क्या बोलने के लिए डरते हैं? क्या है क्या वो चीज, उसको क्या बोलने के लिए डरते हैं क्या साला? उसको शर्म आना चाहिए, 2 बच्चे गए उसके बाद में, उसको कितना संभाला दिगे साहब ने, और क्या ने इनको दिया, मेरे को बोला क्या ने दिया, लड़के को खासदार दिया, इसको क्या, इसको कम क्या किया? और ये समस्या लोगों को बना रहा है, अरे खुद अंडो में बुरा, उससे अच्छा छगन भुजबल है जो 2 साल जेल में रह के आया, अभी 2 गए अंदर, वो भी हिम्मत वाले है, हमारे अनिल परब देखे आपने ईडी के सामने डट के खड़ा, ये एकाएका शिंदे साहब ने पिक्चर बनाया, मैं इतना बड़ा हूँ, और क्या कुछ नहीं किया उसने, किया है क्या? आप ऐसे ही रहेंगे? हाँ ऐसे ही रहेंगे, ऐसे है, ऐसे रहेंगे। चेतावनी क्या है आपकी तरफ से? शिंदे के गढ़ में जो भी जाएगा मार खाएगा, पालघर जिले में शिवसेना के लोग शिवसेना के लोग मेरे साथ में रहे ना रहे, लेकिन शिंदे के गढ़ में जो भी जाएगा वो मार खाएगा। आपके नाक के नीचे श्रीनिवास वनगा जी निकल गए, एक मैं आमदार। अरे श्रीनिवास वनगा को शर्म आना चाहिए, उसको उसके पिताजी के टाइम पे उसको खासदार की में जगह भी नहीं दिया, आशीर्वाद है उद्धव साहब का, उद्धव साहब ने जो जवाब दिया था उसको, तो
तो खासदार की में गिरा तो उसको आमदार की तो चुन के लाया, और अच्छे हमारे दोस्त थे आमदार वो पालघर के, उनको साहब ने ब्रेक दिया कि आप आपको हम लोग आगे और कुछ करेंगे दिया उसको, उसको अक्कल भी नहीं है, वो लड़के को अक्कल भी नहीं है, हो सकता है वो आने के बाद में जाके उद्धव साहब का पैर पकड़ेगा, वो क्या ऐसा ही गया इनके साथ में, वो डर उसके चेहरा देखो कितना डर के रहा है वो। आप कह रहे सीधा दादा है, भोला भाला है, समझा ले गए उसको। हाँ नहीं, वो खुद जाके बैठेगा उद्धव साहब के सामने, उसकी माँ बोलेगी, उसको लेके जाएगी, मैं गारंटी के साथ में आपको बोलता हूँ, श्रीनिवास वनगा जाके उद्धव साहब का पैर पकड़ेगा। आपके शिवसैनिक बोलते हैं कि अगर आएगा तो हाथ पर तोड़ देंगे। नहीं, तोड़ने का बात श्री वनगा के बारे में नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन बाकी के तो मारेंगे, लेकिन श्री वनगा वो सीधा आदमी है, सीधा, उसको अक्कल भी नहीं इतना, और वो जाके उद्धव साहब का पैर पकड़ेगा। ऐसे कैसे अक्कल बेअक्कल, अरे है ही नहीं उसको बात, अरे वो बेचारा आज भी हम लोग कभी खड़े रहेंगे तो आके हमारा पैर पकड़ता था, वो रिस्पेक्ट करता था, वो शिंदे साहब बना के लेके गया और उसको भी डरा धमका के रखा है। अगला कदम क्या, इसी तरह आक्रामक? हाँ, या आगे भी रुक यही हो। हम लोग, हमारा पूरा बंबई का टीम जो हमारे दोस्त लोग हैं आज भी, वो आदित्य साहब के साथ में है, उद्धव साहब के साथ में है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा लड़का अभी तिरुपति में गया, आने के बाद में मैं आदित्य साहब से बात कराऊंगा, और उसको उसके लिए मैंने ऑफिस वीपिस का पूरा अभी बंदोबस्त किया है, पूरा बंदोबस्त करके रखा है, और मतलब मैदान पे उतरे पूरा उतरे। तो ये सर जनार्दन पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले समय में ये शांत नहीं बैठेंगे, और अपने इसी पूरे कार्यक्रम को जिस प्रकार से वो बातचीत करते हैं उसी आक्रामकता को बरकरार रखेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार गिरती है, और गिरती है अगर शिवसेना की सरकार, वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर सीट से बर्खास्त होते हैं या इस्तीफा देते हैं तो क्या कुछ करती है शिवसेना की, शिवसैनिक क्या मैदान पर करते हैं, किस तरह उतरते हैं, ये सब कुछ देखना होगा आने वाले समय में। एंटी करप्शन न्यूज़ के सचिन दीक्षित, विरार।